हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी बीटरूट कटलेट। तो मैंने एक बीटरूट लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि बीटरूट में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसे डाइट में लेने से ना खून की कमी नहीं होती है। तो मैंने एक बीटरूट लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लूँगी, तो ये वाला पोर्शन निकाल देना है कट करके। इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है। मैंने इसका छिलका उतार लिया है, अब अच्छे से वॉश कर लूँगी। बीटरूट को तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं ग्रेट करूँगी इसे। तो ये वाला जो ग्रेटर है, मीडियम वाला, इसी से ग्रेट करना है। मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ग्रेट कर लिया है इसे। चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने लिया है 3 उबले हुए आलू, तो इसे भी मैं ग्रेट कर लूंगी। इसे भी इस तरह से ग्रेट कर लूंगी सारा। यहाँ पर आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन मेरा गर्म हो गया है। तो 1 चम्मच सिर्फ ऑयल डालूंगी इसमें। और बीटरूट को थोड़ा सा कुक कर लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी का मात्रा होता है। बस कुक करके इसे ड्राई करना है, नहीं तो कटलेट बनाते समय ये क्या होगा, चिपचिपा सा बन जाएगा और कटलेट अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हल्का सा कुक करना है इसे। इसी टाइम थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा। बीटरूट को ड्राई होने तक मुझे इसे कुक करना है। मैंने इसे 5 मिनट कुक किया है, ये ड्राई हो गया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा कर लूंगी। तो मेरा बीटरूट भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसे डाल दूंगी आलू में ही। एक छोटा सा मैंने प्याज कट कर लिया है बारीक, तो इसे डाल दूंगी। एक टुकड़ा मैंने जिंजर का ग्रेट कर लिया है, तो इसे डाल दूंगी इस तरह से। हाफ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, इसे ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया हुआ है, इसे भी ऐड कर दूंगी। हाफ लेमन जूस मैंने निकाल लिया है, इसे भी ऐड करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर लिया हुआ है बाइंडिंग के लिए। आप अगर ये नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो, कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हो। तो मैं डाल दूंगी राइस फ्लोर 2 टेबल स्पून। सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैं भूल गई थी इसे डालना। सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी।
हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो और भी ये चावल का आटा आप ले सकते हो। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों में ऑयल लगा लूंगी इस तरह से। थोड़ा सा पोर्शन लूंगी। इसका कटलेट बनाती जाऊंगी। आप ऐसे राउंड में भी बना सकते हो। मेरे पास कुकीज कटर है तो मैं इससे बनाऊंगी। आप इस तरह से राउंड में भी बना सकते हो। तो इस तरह से कुकीज कटर से मैं शेप देती हूँ इसे। तो देख सकते हैं इस तरह का शेप आया है। एक और मैं बना करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से शेप दे देना है कुकीज कटर से। तो दूसरा वाला भी मेरा रेडी है। इसे मैं सूजी से कोट करूंगी। तो इस तरह से डाल करके सूजी से कोट कर दूंगी अच्छे से। देख सकते हैं आप ब्रेड क्रम से भी कोट कर सकते हो। इसी तरह से मैं सारा बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कटलेट को रेडी कर लिया है। चलती हूँ गैस की तरफ। यहाँ पर ऑयल मेरा गर्म हो गया है। मैं इसे सैलो फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। बहुत बहुत कम ऑयल मैंने डाला है। इसे इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब एक एक कटलेट को इस तरह से डालती जाऊंगी। लो टू मीडियम में इसे फ्राई करना है। इसे गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करूंगी। तो इस तरफ से सिक गया है। तो मैं इसे पलट लूंगी। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों साइड से गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूंगी।
इसी तरह से दूसरा बैच भी ट्राई कर लूँगी। मैंने सारे कटलेट को फ्राई कर लिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है, आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसे प्लेटिंग कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये कटलेट, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, साथ में हेल्दी तो है ही। तो देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग कर दिया है, ये फटाफट से बन के रेडी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में और साथ में हेल्दी तो है ही। मैं इसे दिखाती हूँ कितना क्रिस्प है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना ये, तो ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।